देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और कानपुर इन्वेस्टर्स समिट की तरफ से ये जो कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन हो रहा है, मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। सभी को पहले नमस्कार करते हैं और आप सभी से बताना चाहते हैं, अरे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे युवा कलाकार हैं, अरे हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम आप सभी को आमंत्रित करने का काम करते हैं। कानपुर देहात में जिला प्रशासन की तरफ से कानपुर देहात महोत्सव बनाया जा रहा है। ये महोत्सव 6 फरवरी से 12 फरवरी तक रहेगा। इसमें कई कवि भी आ रहे हैं, जिसमें कुमार विश्वास और उनके साथ पूरी टीम दिल्ली से यहाँ पर आएगी। उसके साथ साथ कानपुर देहात में मिमिक्री आर्टिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस शायद कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का होस्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, इनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है इनका और किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं और किस तरीके से इस कानपुर देहात के कानपुर देहात महोत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित सैनी है और मैं कानपुर नगर से हूँ। और डीएम साहिबा का एक सोशल मैसेज गया उनके फेसबुक पेज से कि आप सभी आइए, आप सभी को आमंत्रण देते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, लगभग पिछले 13 सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये मौका बहुत शानदार है हमारे लिए। और डीएम साहिबा के माध्यम से मुलाकात भी उनसे हो गई है और उन्होंने बिल्कुल आदेश भी दे दिया है हमारी परफॉर्मेंस के लिए। और मैं बहुत सारी आवाज़ें निकालता हूँ, ऐसा मेरा टैलेंट है। किस तरीके की आवाज़ें निकालता? और उसमें आवाज़ें मेरे पॉलिटिकल हैं और राजनीतिक में, हमारे लेटेस्ट में मोदी जी चल रहे हैं, योगी जी, और जो बेसिकली मेरी पहचान है वो माननीय अखिलेश यादव जी के वारिस से मुझे मिली थी। लेकिन मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ। अभी तो एक बात कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जिसमें उद्योगपति अपना कहीं ना कहीं रोजगार लगाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो मुख्यमंत्री की आवाज़ निकाल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मेरा नमस्कार। और हमारे योगी जी बोलते हैं कि देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और कानपुर इन्वेस्टर्स समिट की तरफ से ये जो कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन हो रहा है, मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। अच्छा, ये बहुत अच्छी आवाज आपने निकाली। मुख्यमंत्री यूपी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आवाज, प्रधानमंत्री जी की आवाज अगर आप, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अभी पिछले दिनों वो कानपुर आए तो हमारे मोदी जी का एक अंदाज मैंने वहां से कैच किया, तो उनका एक अंदाज बहुत ही बेसिकली, उनकी आवाज बदलती रहती है, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। हमारे मोदी जी स्टेज पे होते हैं, उनकी आवाज अलग होती है, मन की बात में अलग, लेकिन मैं स्टेज वाली आप सभी को दे रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस कानपुर देहात महोत्सव के लिए। तो हमारे मोदी जी, मेरे प्यारे युवा साथियों, अरे मुझे जैसे ही पता लगा, अरे कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन हो रहा है, अरे तो भैया मैंने सोचा इसमें कुछ धमाल कर दिया जाए। अच्छा, अखिलेश यादव की बात कह रहे थे आप, बिल्कुल विपक्षी नेता हैं, कैसे आवाज निकाल? यहाँ पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी की आवाज मैं निकालता हूँ और उनका एक अंदाज बहुत अच्छा लगता है मुझे। सभी को पहले नमस्कार करते हैं और आप सभी से बताना चाहते हैं, अरे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे युवा कलाकार हैं, अरे हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम आप सभी को आमंत्रित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अर्पित सैनी थे जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कानपुर देहात महोत्सव में ये पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जिलाधिकारी नेहा जैन से मिलकर आए हैं, उन्होंने इनको हौसला अफजाई किया, क्योंकि ऐसे कलाकार अगर मंच पे होंगे, उनको एक मंच मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी एक छवि बनाने का काम करेंगे, जो जिला प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। कानपुर देहात से सूरज सिंह, कानपुर तक।